हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर 600 डीसी कंप्रेशर की पंपिंग कैसे रिपेयर की जाती है और पंपिंग के बेसिक फॉल्ट क्या होते हैं जिससे पंपिंग कम होती है। फ्रेंड्स, जब हम इस कंप्रेशर की कटिंग शुरू करेंगे और इसका हेड ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कि पंपिंग किस वजह से लो हो रही है। फाइनली फ्रेंड्स, कंप्रेसर की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको चला के देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों पंपिंग डाउन है। फ्रेंड्स, अब हमने इसका देखा कंप्रेशन चलाकर, इसकी बेसिकली पंपिंग डाउन है, पंपिंग चल ही नहीं रही बिल्कुल। तो हमने जो रेक्टिफाई किया, अब हम इसका पंप खोलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने इसका पंप खोल लिया है, तो ये तो होता है सबसे पहले इसका रीड वॉल होता है एक, ठीक है। तो रीड वॉल तो इसका बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मेन जो इशू आपको नजर आ रहा है वो है गैसकेट। ये गैसकेट इसकी आप देखिए, इतना पोर्शन इसका फट चुका है, जिससे क्या हो रहा है कि जैसे ही कंप्रेशर चल रहा है तो जितना प्रेशर वो बना रहा है वो यहाँ से रिलीज आउट कर रहा है कंप्रेशर के सेक्शन में ही सीधा। तो अब हमने इसकी ऐसे सेम एक गैसकेट बनानी पड़ेगी, हमें खुद बनानी पड़ेगी वो, तो इसमें हम डाल के वो उसको चलाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि हमने इससे एक डिटो बिल्कुल इसी का साइज लेकर, इसका नाप लेकर हमने ये गैसकेट एक खुद बना ली है पेपर से। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, बॉबिन पेपर वगैरह कुछ भी लेकर उसका बना सकते हैं। तो अब हम इसको इसमें फिक्स करेंगे। इसमें फिक्स करने से पहले हमको थोड़ी थोड़ी इसमें सिलिकॉन लगा लेनी होगी बिल्कुल वॉल्स पे, ताकि जो जब प्रेशर जब भी बने तो ये यहाँ से इसको छोड़े ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे यही होता है कि मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे होता है इसके ऊपर इतने इतने पोर्शन में। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ से ये चीज फट के बाहर निकल जाती है। तो हम यहाँ पे हल्की हल्की बाउंड्री में सिलिकॉन लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इसकी पंप की गैसकेट चेंज कर ली है, अब हमने इसको जैसे खोला था वैसे ही उसको फिक्स कर देंगे पंप के अंदर कंप्रेशर में। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने अभी इसका पंप बंद कर लिया, अब हम इसका हेड लगा के वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर वेल्ड करके इसको पूरा सील करके उसके बाद इसका लीकेज टेस्ट किया जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि ये लीक है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं।